Hi guys, Assalamualaikum and welcome back to my channel. So guys, आज मैं मोना एंड मेरी फ्रेंड जो रुखसार, आप लोगों ने इसके पहले वाले मतलब ईद के टाइम पे उनको ब्लॉग में देखा रहेगा, तो बहुत टाइम के बाद आज रुखसार हम लोग तीनों, पहले हम लोग बहुत ज्यादा घूमते थे तीनों, बट उसके बाद रुखसार की शादी हो गई एंड अमायरा की वजह से मोना भी बिजी रहने लगी, तो हम लोग फिर कहीं नहीं जा पाते थे. तो आज बहुत महीनों के बाद, मतलब असल रुखसार की सबसे शादी हो गई है, एक साल होने आए हैं अभी, मतलब कुछ 8-9 महीने हो गए ऑलरेडी. उतने महीनों में अभी हम लोग आज पहली बार जा रहे हैं तीनों कहीं पर बाहर, तो हम लोग आज जा रहे हैं सी फूड खाने के लिए, बिकॉज हम लोग तीनों को सी फूड बहुत ज्यादा पसंद है. तो हम लोगों तीनों ने प्लान बनाए हैं. अदनान की भी छुट्टी नहीं है, जैन भाई की भी नहीं है, अफू भाई की भी नहीं है. अब ये तीनों की वजह से हम लोगों का हर बार का प्लान कैंसिल हो जा रहा था, तो इसलिए हम लोगों ने इस बार सोचा कि हम तीनों ही निकल जाते हैं. तो अभी हम लोग तीनों जा रहे हैं कहीं पे सी फूड खाने के लिए, अब वो डिसाइडेड नहीं है, तो अब देखते हैं जैसे भी डिसाइड होगा. तो अभी जब भी मैं निकलूंगी तो आप लोगों से मिलती हूँ रास्ते में. करेंगे कल खेलेंगे. सो गाइस, अमायरा अभी रो रही थी बिकॉज हम लोग जा रहे हैं और इसको छोड़ के जा रहे हैं ना, तो अभी हम लोग अमायरा को कल मारवे लेके जाएंगे, है ना मम्मा? और क्या करेंगे मारवे जाके? अपुन खेलेंगे. किसके साथ? किसके साथ खेलेगा बेबी? अभी सोच रही है वो. ओके, मारवे में खेलेगा. सो गाइस, अभी हम लोग निकल चुके हैं. ए देखो इसको, मावे मावे नहीं जा रहे. सो गाइस, बहुत बुरा वाला पचका हो चुका है हमारा. हम लोग जो डिसाइड करके निकले वो बंद है आज मंडे. अभी लोग दोनों भी, हाँ बाय द वे रुखसार भी आ चुके हैं और दोनों भी अभी रेस्टोरेंट ही देख रहे हैं कौन सा जाना है. और ऑटो वाले अंकल को बोले गोरेगांव, और तुम लोग देख रहे बोरी का रेस्टोरेंट. सो गाइस, हम लोग हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं. हम लोगों को ऑटो वाले अंकल ने सजेस्ट किए हैं और हम लोग वहीं पर आए हैं. क्या नाम है? गजाली. अभी मैं आपको अंदर जाकर बताती हूँ और खाना भी कैसा रहेगा वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ. सो गाइस, हम लोग अंदर आ चुके हैं और अभी मोना मैडम देख रहे हैं मेन्यू. और उसका तुम भी देख लो, मेरे को तो क्रैब चाहिए, ये वाला बोल रहे हैं ना, मसाला वाला ही आई थिंक. सो पूछना उसको ये कौन सा है. सो गाइस, अभी हम लोगों ने क्रैब हम लोगों को खाना है. हम लोग तीनों क्रैब के भूखे हैं. थालीज भी होंगी, लंच है, डिनर भी. हम लोग क्रैब के भूखे हैं, हम लोगों को क्रैब ही खाना था, इसलिए हम लोग जहाँ पे भी कॉल कर रहे थे क्रैब ही पूछ रहे थे. तो अभी लाकर बताएंगे वो साइज, मैं आपको बताती हूँ. थाली में ओनली लंच है, नहीं है तो फिर अपन अलग अलग कुछ मंगा लेंगे. इट्स वेरी बिग. हाँ, इतना बड़ा खा पाएंगे? हम लोग अभी खा रहे हैं. क्या क्या है बाबा? बॉम्बे बॉम्बे डक, बट इट इज बॉम्बे. हाँ गाइज, मोना का मुंह देखो. सो गाइज, मोना देखो दूसरे रेस्टोरेंट में फोन करके ऑर्डर दे रही है. दो प्लेट कर दो. क्या ऑर्डर कर रही मोना? मोना ठीक है, इतना करके रख दो. बेबी शार्क है क्या? अल्लाह, ये पूरा खानदान ऑर्डर कर रही है. आप खुद तो खा लेंगे. सो गाइज, वो जो हम लोगों ने क्रैब देखे थे उसका क्या सीन है मैं आप लोगों को बाहर जाके बताती हूँ. इसीलिए मोना ने अभी दूसरे रेस्टोरेंट में कॉल करके ऑर्डर की है. देखो इसका मुँह. और हम लोगों को खाकर हो गया है 10-15 मिनट. और ये जो है ये अदरक लहसुन का पेस्ट है. वहाँ पे प्रॉन्स तंदूरी है ना, प्रॉन्स तंदूरी आ चुकी है. कर दो सेव. हाँ हाँ हाँ, मोना का मुंह देखो. सो गाइज, हम लोग ये कहाँ आए थे मोना? मैंने मना किया था लोगों. अंधेरी ईस्ट MIDC में हम लोग आए थे. नाम क्या है पर? गजाली करके. बट यहाँ का खाना हम लोगों को जरा भी नहीं अच्छा लगा. और प्राइस भी बहुत ज्यादा था, बहुत कम था. और प्राइस भी मतलब बहुत नहीं था, 4000 का वो क्रैब था. तो हम लोगों ने अभी प्रॉन्स खाया और हम लोग निकल गए हैं. अभी हम लोग दूसरी जगह जा रहे हैं बिकॉज यहाँ पर बैठकर भी कुछ मतलब नहीं है. अगर खा भी लेंगे तो मन हम लोगों का, हम लोग क्रैब खाने थे. अभी हम लोग दूसरी जगह जा रहे हैं. और मोना को देखो, अभी अप्पू भाई को कॉल करके बता रही है
मोना की फिर बोलो। सो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं सिटी लाइट में और अदनान भी आ गए हम लोग को कंपनी देने। एडी तुम मेरे को कोच रहे थे ना, तुमको मैंने कल ऑर्डर नहीं मंगाई थी इसीलिए बताती हूँ तुमको अभी सब। सो गाइज मोना का गुस्सा ही शांत नहीं हो रहा है। अब कब तेरा गुस्सा शांत होगा खाने के बाद? सो अभी हम लोग यहाँ पे क्रैब्स खाएंगे। अदनान क्रैब्स नहीं खाते हैं तो क्या खाएंगे? आज खाएंगे, आज तुम खाओगे, आज ट्राई करो ना सिर्फ एक दिन। गाइज इन लोगों का डिस्कशन ही नहीं खत्म हो रहा है भाई, खाकर आ गए, अब खत्म कर दो सब कुछ। फाइनली हम लोग का क्रैब आ चुका है, अभी हम लोग खा कर थोड़ा हम लोगों का ऐसा अच्छा लगने वाला है। अदनान नहीं खाते क्रैब से, एक बार ट्राई तो करो, आज थोड़ा सा ट्राई मसाला ट्राई कर। हाँ बस ट्राई करवाऊंगी अदनान को इंशाल्लाह। ए मोना ये वाला ले ले, आई डोंट वांट दिस वन, ये बीच वाला। हाँ रख दो, चाहिए रहेगा तो लेते हैं। तो गाइस अभी मैं खाती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ, बिकॉज ये मुझे बहुत टाइम से खाना था। अभी हम लोग प्रॉपर ऑथेंटिक अपना सी फूड खा रहे हैं ऐसा हम लोग को लग रहा है। ये क्या है, रावस ना, रावस फ्राई है और प्रॉन्स, तो हम ये क्रैप्स हम लोग बस मज़े ले लेके खा रहे सब लोग देखो। बट अदनान नहीं ट्राई कर रहे, जाने दो, अभी हम लोग ही खाते हैं। बट टेस्ट तो बहुत अच्छा है यहाँ का, हम लोग को पता था कि टेस्ट अच्छा है, बट हम लोगों को ऐसा था, मुझे और रुखसार को, मोना को तो नज़दीक नहीं आना था, मोना और सॉरी रुखसार और मुझे था कि थोड़ा दूर जाना है, इस वजह से हम लोगों ने सच्चाई बात। रुखसार ये तो तुम्हारा ही था, ग्रुप में तुमने ही बोले थे ना कि थोड़ा दूर ग्रुप में जाके चैट कर बोले थे, लेकिन इतना गंदा एक्सपीरियंस होगा ये किसी को नहीं पता। यस यस टेस्ट नहीं है, नहीं अच्छा था। हाँ चलो ठीक है, अब जो गया वो गया, अब जो है उसके मजे लेते हैं। गाइस वो वाला तो क्रैप हम लोगों ने खा लिया, अब ये दूसरा क्रैप ही है बट ये दूसरा मसाले में है, और दिस ये बहुत यम्मी रहता है। क्या होता है ये, नीर डोसा। और रुखसार भी बात नहीं करेंगे अभी खाने के टाइम पे, सब कुछ नहीं है। हाँ क्योंकि बहुत बिजी है, और मोना का तो छोड़ ही दो। हाँ ठीक है तुम खाओ। सो गाइस हम लोग अभी निकल चुके हैं, क्या है क्या है क्या है क्या है, अभी मोना को ऐसा लग रहा है प्रॉपरली खाना खाया है उसने एकदम। यह ज़्यादा सब लोगों ने ही ज़्यादा खा लिया है, मैंने मोना ने और किधर हेलमेट जॉ लेकर आओ, हम तीनों ने एकदम एक्स्ट्रा खा लिया। अब ऑटो कहाँ से मिलेगी गाइस, ढूंढो ढूंढो। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ घर पर, और बाहर लाइट एंड ऑल सब कुछ बंद हो चुका है, बिकॉज 1:20 हो गए हैं, मतलब डेढ़ बज चुके हैं रात के, तो अमान सो चुका है। तो अभी मैं सोची कि अभी वीडियो की एंडिंग ले लेती हूँ, बिकॉज नेक्स्ट डे पे अगर वीडियो की एंडिंग मैं सोचती ना नेक्स्ट डे करूँगी तो मुझे एडिटिंग में भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, और फिर वो जो टाइम पे मैं यूजुअली अपलोड करती हूँ वो टाइम पे वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है। तो मैं अभी इस वीडियो को एंड कर देती हूँ। एंड हाँ गाइज मैं आप लोगों को एक बात बोलती हूँ, जहाँ हम लोग पहले रेस्टोरेंट में गए थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी था, और चलो अगर एक्सपेंसिव भी है तो ठीक है, बट वो हिसाब से वो खाने में टेस्ट नहीं था, हम लोगों को नहीं लगा। अब सबका अपना अलग अलग टेस्ट होता है, बट हम लोगों को तो नहीं लगा वैसा टेस्ट। एंड जो हम लोग सेकेंड गए थे वो हम लोगों को पता था, क्योंकि हम लोग वहाँ पे ऑलरेडी पहले भी जा चुके थे, तो हम लोगों को ऐसा था कि आप कहीं दूर जाते हैं, तो दूर जाने के चक्कर में हम लोगों का एकदम दूर बन गए हम लोग। तो गाइज आप लोग भी अगर कहीं कभी जाओगे तो प्रॉपरली इंक्वायरी निकाल कर जाना। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में या तो अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।